तो प्लेक्स ट्रीटमेंट, जैसे हमने पहले बोन्स के बारे में पढ़ा था, बोन्स याद है ना, कौन कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब पढ़ा था। तो हमने जब इसको पढ़ रहे थे तब तो मैंने बताया था आपको कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इस पर पूरे हेयर का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। आपका हेयर वेवी है, कर्ली है, किंकी है, स्ट्रेट है, वो इसी डाइसल्फाइड बॉन्ड पर डिपेंड करता है। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है जिसके वजह से हेयर में स्ट्रेंथ बनी रहती है। अगर ये बॉन्ड वीक हो गई तो हेयर वीक हो गया। तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि ये बॉन्ड्स वीक हो, क्योंकि किसी से भी इजीली ब्रेक नहीं होती, ओनली केमिकल से ब्रेक होती है। केमिकल मैंने बताया था आपको, अमोनियम थायोग्लाइकोलाइड जो कि स्मूदिंग में होता है, ठीक है, इन्हीं केमिकल से ये ब्रेक होती है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन सी, वो इजीली ब्रेक नहीं होती, इजीली वीक नहीं होती, पर कुछ सिचुएशन में वो वीक हो जाती है। जैसे कि अगर आप हेयर पर बहुत ज़्यादा एक्सेस कलर करते हो, बार बार कलर करते हो, पी लाइटनर करते हो, तो उसके बाद ये बॉन्ड्स वीक हो जाती है। इस बॉन्ड को चेक करते कैसे, एक हेयर को लिया आपने, स्ट्रेच करके देखा, अगर वो अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, वापस भी पोजिशन में आ रहा है, तो मतलब हेयर हेल्दी है। पर आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो, वो ब्रेक हो जा रहा है, टूट रहा है। खासकर ऐसा देखने को मिलता है पी लाइटेड हेयर पर, कलर्ड हेयर पर, कि बाल ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाता। और ड्राई हेयर के कंपेरिजन में वेट हेयर ज़्यादा स्ट्रेच होता है। अगर आप वेट हेयर को स्ट्रेच करोगे तो 40-50% तक स्ट्रेच हो जाता है, पर वापस अपने शेप में आ जाता है। पर अगर हेयर ब्रेक हो रहा है, स्ट्रेच ही नहीं हो पा रहा अच्छे से, और ब्रेक हो रहा है विद साउंड, ठीक है, तो मतलब बहुत वीक हो चुका है, उसकी डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो वीक हो चुकी है। अब ऐसे वीक वाले बॉन्ड को जो ट्रीटमेंट ठीक कर सकता है, कंपनी ऐसा कहती है, वो हमारे ये ट्रीटमेंट है, प्लेक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। बहुत बेसिक फंडा, डाइसल्फाइड बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होती, ईजिली वीक नहीं होती, पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, जैसे कि स्मूदनिंग कलर, या फिर एक्सेस हीट यूज़ करते हो, आयरन बहुत ज़्यादा करते हो, स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसके बाद ये बॉन्ड वीक हो सकती है, पर ये बॉन्ड ईजिली रिपेयर नहीं होती, ठीक है। अब ईजिली रिपेयर नहीं होती, पर कुछ कंपनियाँ जैसे मैंने बताया, ओलाप्लेक्स, वेलाप्लेक्स, फाइबर कॉम्प्लेक्स, फाइबर प्लेक्स, ये सबका कहना है कि हमारा जो ये ट्रीटमेंट है इस डाइसल्फाइड बॉन्ड पे काम करता है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को मल्टीप्लाई करने का काम करता है, और जहाँ ये बॉन्ड वीक हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, ये वहाँ पे इसे बनाता भी है। सही, ऐसा कंपनी का कहना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है। तो इसका रिजल्ट आपको हेयर पे दिखे ना दिखे जब करने के बाद, पर कंपनी का कहना है इसकी स्ट्रेंथ दिखेगी आपको इसमें, जो हेयर वीक हो चुका है, हाँ, जो हेयर वीक हो चुका है इस वो हेयर इससे रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो कैसे कैसे हेयर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कलर्ड हेयर पे कर सकते हैं, वो सारे हेयर जो वीक हो चुके हैं, हाँ, वीक होने के चांसेस हैं, तो उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये ट्रीटमेंट है ओलाप्लेक्स, इसके बारे में देखो, दिखा देता हूँ, ओलाप्लेक्स, ठीक है। इसमें दो आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं मेजरली, N1 और N2, ठीक है, N1 N2, ठीक है। N1 मतलब इसका है बॉन्ड मेकर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, ये दूसरी कंपनी का, ठीक है, इनोलक्स का, ये भी रिबॉन्ड ट्रीटमेंट है। तो N1 ऐसा ही होता है, ये लिक्विड फॉर्म का यूज़ करना होता है हमें। और जो दूसरा इसका ट्रीटमेंट होता है N2 करके आता है, वो N2, जैसे यहाँ पे मेंशन है N2, ये है इसमें बॉन्ड स्टेबलाइजर, ठीक है। N1 क्या हो गया, बॉन्ड मेकर, मतलब वो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है इसको बना रहा है, उसका मेकर है, ठीक है। स्टेबलाइजर मतलब उसको स्टेबल करता है, ठीक है। तो पहला जो है लिक्विड फॉर्म में, दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर भी यही सेम केमिकल है, पर वो थोड़ा माइल्ड है इससे। तो ये लिक्विड फॉर्म में है और वो थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होगा, जिस पर आपका हेयर मास्क होता है ना, वो वैसा होता है। तो इसमें जो केमिकल है वो है बिस अमीनो प्रोपिल डाइग्लाइकोल डिमिलेट, ठीक है, लिख लेना। तो इसमें भी यही कह रहा है केमिकल कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को
मल्टीप्लाई करने का काम करता है, जो आर्टिफिशियल बॉन्ड बनाने का काम करता है। जो हमारे हेयर के नेचुरल बॉन्ड है कौन सा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, अगर वो ख़राब हो गया, वीक हो गया, तो उसकी जगह आर्टिफिशियल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? आर्टिफिशियल बॉन्ड बना रहा है, आर्टिफिशियल बॉन्ड बना रहा है, ये केमिकल। तो इस केमिकल से हम अपने जितने भी ड्राई डैमेज वाले हमारे हेयर आएंगे, ठीक है, क्लाइंट के जितने भी ड्राई डैमेज वाले बाल आएंगे, हम उनको इससे रिपेयर कर सकते हैं। अब इसकी जगह जरूरी नहीं यही कंपनी वाला यूज़ करना है, इनवेक्स का, आप ओलाप्लेक्स का यूज़ करो, वेलाप्लेक्स का यूज़ करो, क्योडी फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज़ करो, या फिर फाइबरप्लेक्स जो कि शोस्कॉफ का आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट कैसा भी हो, सब में फॉर्मूला सेम ही यूज़ हो रहा है, सबके सब स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट के नाम से जाने जाते हैं, मतलब ये बॉन्ड पे काम कर रहे हैं सबके सब। इस पर बॉन्ड पे काम कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, प्रोसेस कैसे करना है, किस चीज़ के साथ करना है कि इसका रिजल्ट हम देख सकें, तो तीन तरीके से इसे किया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, कैसा भी हेयर का टेक्सचर है, जैसे मैंने बताया हेयर का कैसा भी टेक्सचर होगा वो इस डाइसल्फाइड बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। इसका इस्तेमाल आप प्री लाइटनर के साथ कर सकते हो, ठीक है, प्री लाइटनर के साथ। प्री लाइटनर में डेवलपर को मिक्स करोगे, फिर इसको मिक्स करना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले प्री लाइटनर लिया फिर इसको मिक्स करोगे फिर डेवलपर को मिक्स करोगे। जो भी मिक्सिंग रेशियो बनता है प्री लाइटनर और डेवलपर का, मान लो आपका मिक्सिंग रेशियो बन रहा है 1:1 का आप ले रहे हो या 1:2 का आप ले रहे हो, डेवलपर के साथ मिक्सिंग रेशियो ले रहे हो 1:1 का, तो फिर आपको इसमें इन दोनों को जब मिक्स कर लोगे उसके बाद इसको मिक्स करना होगा। ठीक है, कितना मिक्स करना है वो समझ लेते हैं। तो अगर आप प्री लाइट कर रहे हो विथ फॉइल और विदाउट फॉइल, दो तरीके से प्री लाइटर लगाते हैं ना हम, एक तो विथ फॉइल लगाते हैं और एक लगाते हैं हम विदाउट फॉइल, दो तरीके से लगाई जाती है। आप ओपन कलर कर रहे हो, आप ओपन पीला लगा रहे हो बालेज की टेक्निक में, हाई लाइट की टेक्निक में, तब ऐसा ओपन होगा, और अगर विद फॉइल लगा रहे हो तो इसका मिक्सिंग रेशियो अलग रहेगा। ठीक है, विद फॉइल इसका मिक्सिंग रेशियो रहेगा हर 10 ग्राम में आपका 2 ml, ठीक है, हर 10 ग्राम में, हाँ 2 ml, हाँ ये दोनों दो मिलाने के बाद देखो इसका जो मिक्सिंग रेशियो बनेगा वो इस पाउडर के साथ बनेगा, डेवलपर आप बाहर से ऐड करोगे ना, ठीक है, 10 ग्राम ये तो 2 ml ये, अगर आप ये 30 ग्राम ले रहे हो कहते हैं प्री लाइटनर पाउडर तो कितना ml लोगे यहाँ पर, 6 ml, ठीक है। सेम अगर विदाउट फॉइल कर रहे हो तो मिक्सिंग रेशियो क्या है इसका, इसकी क्वान्टिटी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, अब इसको हम हर 10 ग्राम में 1 ml कर देंगे, ठीक है, 1 ml विदाउट फॉइल, ठीक है, और 30 ग्राम में 3 ml। हमने क्या करा यहाँ पे कि इसकी क्वांटिटी को किसमें बढ़ाया हमने, जब हम फॉइल में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉइल में क्यों बढ़ाया, हाँ उसमें ज़्यादा डैमेज के चांसेस है क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है। अगर आप ओपन पी लाइट लगाओगे और विथ फॉइल पी लाइट लगाओगे तो क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, जहाँ पे फॉइल है वो जल्दी ही कलर आएगा, वहाँ पे अचीव होगा, चाहिए ठीक है, लिफ्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि फॉइल लगाने का मतलब ये थोड़ा ना है कि हम सिर्फ हेयर को दूसरे कलर से बचा रहे हैं कि इस पे जगह पे कलर लग जाए, दूसरे पे कलर ना लगे, हम इसलिए भी फॉइल का इस्तेमाल करते हैं कि हीट ज़्यादा जनरेट हो, जितनी हीट ज़्यादा जनरेट होगी उतनी जल्दी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो विथ फॉइल मिक्सिंग रेशियो क्या रहने वाला है, 10 ग्राम में 2 ml, और अगर ओपन पी लाइट लगा रहे हो तो 10 ग्राम में 1 ml, ठीक है, सिंपल इसको निकालते हैं ऐसे, देखिए इसकी सिरिंज वगैरह आती है, अगर दूसरी कंपनी का यूज़ करोगे तो इसको स्क्वीज करना होता है, तो ऊपर ml की बोतल बनी होती है, ठीक है, ml मेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अब इस वाली कंपनी ने अलग दिया हुआ है, इसने एक सिरिंज दे रखी है, अब इस सिरिंज पे भी यहाँ मेंशन है कि कितना ml है ये, ठीक है, तो बस को इसमें एंटर करना है और प्रोडक्ट निकालना, आपको पता चल जाएगा, अगर अपने 0.5 ml निकाला, 1 ml निकाला, 2 ml निकाला, ठीक है, 3 ml तक तो निकल ही रहा है इसमें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट निकालोगे। पहले तो आपको करना क्या है, आपने मान लो 1:1 का डेवलपर के साथ मिक्सिंग रेशियो है प्री लाइटनर का, आप उसको मिक्स करोगे, ठीक है, आप
अच्छे से उसको मिक्स कर दोगे पाउडर को और डेवलपर को, फिर उसके ऊपर इसको मिक्स करोगे, ठीक है, जो मिक्स हो जाएगा। ऐसे नहीं कि इसको प्लेनर पाउडर के साथ पहले करोगे, बाद में फिर डेवलपर ऐड करोगे, ठीक है। ये तरीका हो गया हमारा विथ फॉइल और विदाउट फॉइल। मिक्सिंग रेशियो याद रहेगा? Yes, चलो याद नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं तो लिख भी लेना, ठीक है, कि याद रह जाए। उसमें भी दिया है सर? हाँ, उसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी अलग, इसमें भी दिया हुआ है, बुक में भी नहीं दिया? दिया हाँ बुक में। देखो इसका मिक्सिंग रेशियो की एक बात मैं और बता दूँ कि इसका मिक्सिंग रेशियो कम ज़्यादा हो जाए, अगर थोड़ा ज़्यादा ले लिया उसको इशू नहीं है। जो कि बाहर फॉरनर हेयर ड्रेसर जो है वो मिक्सिंग रेशियो जब निकालते हैं, इसके लिए इसको निकालते हैं वेलाप्लेक्स को, सॉरी ओलाप्लेक्स को, तो वो एक ही बार स्क्विच करते हैं, वही नहीं देखते कि इनकी तक लगाना है। इसी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी होगी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत कम ना हो जाए तो आप 1:2 का भी ले सकते हो, पर बहुत कम क्वांटिटी नहीं लेनी इसकी, ठीक है। अगर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ले रही तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कलर ही चेंज हो जाएगा, कि जो कलर अच्छी बना वो कलर नहीं आएगा। लेकिन सर ब्लेंडर के साथ लगाने से ऐसा लोग बोलते हैं कि लाइट शेड नहीं आता? लाइटर शेड नहीं आता? नहीं, देखो ऐसा है कि अगर आप 3 बार प्री लाइट करके वो शेड अचीव कर रहे हो नॉर्मली, अगर आप 2 बार भी प्री लाइट करोगे तो हाई लाइट शिफ्टिंग आपको वो कहते हैं नेचुरल हेयर पे रिसीव ही नहीं होती प्री लाइट पे। अगर आप पेलेस तक जाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार तो प्री लाइट करना ही पड़ता है, चाहे आप 30 वॉल्यूम से करो या 40 वॉल्यूम से करो, एक बार में तो लिफ्ट होता ही नहीं। बहुत कम ऐसे डेवलपर हैं जो वाइट पाउडर वाले डेवलपर आते हैं, वो 2 बार में लिफ्ट कर सकते हैं, पर जो ब्लू वाले पाउडर वाले डेवलपर हैं इतनी मैक्सिमम लिफ्टिंग नहीं देते। तो इसका इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, विजुअली चेक करना पड़ेगा एक जगह विद पी लाइट कलर करके देखो बिना इसके, और एक बार पी लाइट के साथ ऐसे करके देखो, ठीक है, तब आप स्ट्रेच करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट है कि नहीं है। अगर दोनों सिमिलर रिजल्ट लग रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ब्रांड अमोंडो करके, इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब पर, तो उसने ओलाप्लेक्स के साथ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने कलर लिया एक जगह कहते हैं पी लाइटनर पाउडर सेम मिक्सिंग रेशियो के साथ, और दूसरी जगह भी सेम मिक्सिंग रेशियो के साथ दो स्टैंड रखे हेयर के, दोनों पे दो बार पी लाइट किया विद ओलाप्लेक्स, ठीक है, और उसने फाइनल रिजल्ट जो देखा तो दोनों में सेम रिजल्ट आया। इसकी क्वांटिटी होने से भी और ना होने से भी दोनों जगह रिजल्ट सेम ही था, पर उसने एक चीज़ और मेंशन करी थी वहाँ पे कि कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला ओलाप्लेक्स का स्ट्रेंथ के मामले में, कि कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग है ये, बहुत ज़्यादा वो अलग है। अब कंपनी ये कहती है कि आप इसकी सेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगे, अगर 4 से 5 सेटिंग लोगे तब इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। सिंगल रिजल्ट में इसका कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। विदाउट कलर इसको पानी के साथ यूज़ करते हैं, आगे बताता हूँ मैं, पहले ये इसका मिक्सिंग रेशियो समझ गए ना। आगे देखो कलर ट्यूब के साथ कैसे मिक्सिंग रेशियो रखनी है इसकी। अब मैं यहाँ पे वही समझा रहा था, जो कलर ट्यूब आती है आपकी, ठीक है, कलर ट्यूब में इसका मिक्सिंग रेशियो है हर 30 ग्राम में 1 ml, हर 60 ग्राम में 2 ml, ठीक है, और अगर 50 ग्राम की कलर ट्यूब है तो उसमें आप 2.5 ml ही मिला सकते हो, ज़्यादा भी मिला सकते हो। मैं यह वो समझाने की कोशिश करूँ कि ज़्यादा ही मिला सकते हो, रिजल्ट में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता, ठीक है, इतना थोड़ा, मतलब ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ही मिला देना है, 50 ग्राम में 2.5 ml भी मिक्स कर सकते हो। एक पूरी कलर ट्यूब में जो आती है ना लोरियल की, मेरे ख्याल से 49 ग्राम की आती है कलर ट्यूब, 49 ग्राम की कुछ की आती है, तो इसमें अगर आप 2.5 ml मिलाओगे तो रिज़ल्ट सेम वैसा ही आएगा। रिज़ल्ट में कोई फ़र्क देखने को मिलता, पर बहुत जगह लोग ऐसा कहते हैं कि एग्जैक्ट रिज़ल्ट अचीव होता है इससे, जो रिज़ल्ट अचीव होने वाला है ना वही रिज़ल्ट अचीव होता है, कोई 19-20 का फ़र्क नहीं रह जाता, पर ऐसा नहीं है। इसके ऐड होने से कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं हो रही कलर पे, बस ये डाइसल्फाइड बॉन्ड पे काम कर रहा है, ऐसा खुद कंपनियां कहती है। इसकी कंपनी जो ये ट्रीटमेंट बनाते हैं वो खुद ऐसा मेंशन करते हैं अपनी वेबसाइट पे कि इससे कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट कलर को नहीं मिल रही है, बस ये आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड को उस कलर से जो डैमेज होने वाला है, मतलब मैंने किसी क्लाइंट का कलर कर रहा हूँ और उस क्लाइंट के कलर से हेयर डैमेज होने के चांसेस है, तो वो उस चांसेस को कम कर देगा ये ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर मैं किसी के कलर कर रहा हूँ 9 लेवल की लिफ्टिंग पे, 8 लेवल की लिफ्टिंग पे विद पी लाइट या फिर विदाउट पी लाइट, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं विद पी लाइट कर रहा हूँ
तो पहले मैं पीलाइटर के साथ इस्तेमाल करूँगा, और जब कलर डिपॉजिट कर रहा हूँ दूसरा, मान लो मेरे को 8 पॉइंट समथिंग कुछ कलर करना है, तो मैंने 8 लेवल तक पहले पीलाइट से लिफ्ट किया, तब मैंने इसको मिक्स किया था। अब मैं जब कलर डिपॉजिट करूँगा ना कोई दूसरा कलर 8 पॉइंट समथिंग वाला, तब भी मैं इसको उसमें मिक्स करूँगा। स्टेबलाइजर कब यूज़ करेंगे? स्टेबलाइजर हाँ लास्ट में, सबसे लास्ट में। पूरा प्रोसेस बताऊँगा इसका मैं कि कैसे कैसे करना है। तो ये सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड को हेल्दी रखने का काम करेगा, कलर से जो हेयर को डैमेज होने वाला है ये उससे कलर को बचाएगा। ठीक है, इसका सिंगल स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ कलर के साथ नहीं करना है ट्रीटमेंट, और ऐसे ही करना है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे प्रोसेस समझते हैं पहले एक एक करके। अगर कलर के साथ कर रहे हो तो आप कलर में क्या करते हो, सबसे पहले आपने कलर बनाया, ठीक है, कलर लिया आपने और डेवलपर लिया, दोनों को मिक्स किया। ठीक है, एग्जांपल आप कलर ले रहे हो 60 ग्राम का, ठीक है, आप 60 ग्राम कलर ले रहे हो, ठीक है, आपने डेवलप 1:1 का मिक्सिंग रेशियो है, ठीक है, आपने डेवलपर भी कितना ले लिया 60 ग्राम, ठीक है, ML में मानते हैं ना, 1 ग्राम में चलो, आपने 60 ले लिया। अब आप क्या करोगे, इसको कितना मिक्स करोगे, प्लस 3 ML ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिया। अब जब जैसा आप ग्लोबल का कलर लगाते हो बालों में वैसे ही लगाओगे, ठीक है, पूरे बालों में कलर लगाओगे, कलर अच्छी होने में आपको 35 मिनट लग जाएंगे, 30 to 45 मिनट, ठीक, 35 to 45 मिनट, ठीक, 40 मिनट मान लो, ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, इतना टाइम आपको लग जाएगा। ये कलर अचीव हो गया, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कलर को वॉश करना है। आप शैम्पू शेल में ले जाओगे क्लाइंट को, क्लाइंट के हेयर को वॉश करोगे, वॉश करने के बाद हो सकता है आपको हल्का हल्का माइट शैम्पू यूज़ करना हो क्योंकि कलर को निकालना है अच्छे से, तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करोगे, ठीक है, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू जो आते हैं, ठीक है, विटामिनो आता है, ब्रिलियंस आता है, हाँ अलग अलग कंपनी के आते हैं, जैसे कि लोरियल में विटामिनो आता है, वेला में ब्रिलियंस आता है, और शोस्कोप में कलर फ्रीज आता है ना, कलर फ्रीज आता है शोस्कोप में, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे। कोई सा भी शैम्पू ले सकते हो, कलर वॉश करा, ठीक है, वॉश करने के बाद अब बारी है N2 की, ठीक है, अभी हमने N1 तो ये मिक्स किया था ना, N1 3 ML मिक्स किया था ना, ये वाला के प्रोडक्ट N1, अब हम N2 की बारी आ गई, N2 हमें लेना है 5 to 10 ग्राम एज पर क्लाइंट हेयर की डेंसिटी, उसकी लेंथ, कि वो पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए, तभी भी आप देखो N2 5 से 10 ग्राम, ठीक है। वैसे कंपनी कहती है, जितनी भी कंपनी है वो सब कहती है कि आपको डबल क्वांटिटी में लेना है, ये डबल क्वांटिटी में, इसलिए वो आप देखोगे प्रोडक्ट तो जितना ये आता है N1 उससे डबल क्वांटिटी में आपको N2 मिलता है कंपनी की तरफ से। अगर आपका 500 ML का N1 मिलेगा ओलाप्लेक्स का, तो 100 ML का आपको N2 मिलेगा, चाहे लोरियल का लो, चाहे वेला का लो, चाहे शोस्कोफ का लो, या क्यूडी का लो, किसी में, सब में आपको इससे डबल क्वांटिटी किसकी मिलती है, N2 की, क्योंकि N2 ज़्यादा लगता है बालों में। तो आप 5 से 10 ग्राम निकालोगे क्लाइंट की हेयर की डेंसिटी और लेंथ के अकॉर्डिंग, आपको अपने न्यू हैंड से क्लाइंट के हेयर पे फील हो जाएगा कि पूरे हेयर में प्रोडक्ट अच्छे से डिपॉजिट हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, मास्क लगाते हैं क्लाइंट के हेयर पे और हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ कुछ पार्ट पे क्वेश्चन में पता चल जाता है कि हमने ना अभी ठीक से अप्लाई नहीं किया, हमारे हाथ पे खुद वो हेयर फील हो जाते हैं, तो हम फिर मास्क लेते हैं फिर अप्लाई करते हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन में ये स्प्रेड ज़्यादा होता है, N2 जो है वो स्प्रेड अच्छे से होता है, तो 5 से 10 ग्राम भी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा सारे बालों में। पर जैसे मास्क आप छोड़ते हो 5 मिनट, इसको छोड़ना है आपको 10 मिनट, इसको 10 मिनट के लिए आपको रेस्ट पर रखना है। 10 मिनट पर रेस्ट पर रखोगे, फिर आप वॉश करोगे, जैसे मास्क वॉश करते हो सेम वॉश हो गया, वॉश के बाद सिंपली क्लाइंट के हेयर को स्टाइल करोगे और फ्री कर दोगे। और सेम ये चीज़ आपका जब पीलाइट करते हो तब भी यही होगा। पीलाइटनर के टाइम पे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने इसको पीलाइटनर के साथ तो मिलाया,
अब पी लाइटनिंग के बाद हमें एक और कलर डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। 8 लेवल 9 लेवल की लिफ्टिंग पे कलर कर दिया, ब्लॉन्ड हो गया कलर, ठीक है। अब आपको कलर डिपॉजिट करना है तो क्या उस कलर में भी मिक्स करना ही है? मान लो आपको 9.1 करना है, आपने 9 लेवल तक पी लाइट करके लिफ्ट कर दिया, लिफ्ट के बाद आपने क्लाइंट के हेयर को वॉश कराया। अब पी लाइटनर के बाद जो आपको 9.1 करना है कलर डिपॉजिट 20 वॉल्यूम के साथ, तो उसमें क्या इसको मिक्स करोगे? हाँ, तो इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, इसको मिक्स करेंगे तभी इसका पूरा प्रोसेस का चार्ज हम क्लाइंट से ले सकते हैं, ठीक है। क्या चार्ज है ये? थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। कलर में ऐड करो तो 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन जाते हैं, वैसे भी ज़्यादा बन जाते हैं। हर सिचुएशन, हर एरिए, हर सलों पे डिपेंड करता है, है? कम, हाँ नहीं, कई जगह इस ट्रीटमेंट के बहुत बहुत अच्छे चार्ज हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े सलों हैं, काफ़ी अच्छा चार्ज करते हैं इसका, प्लस ट्रीटमेंट का 3-4 हज़ार रुपये ऐड कर देते हैं इसी के। अगर कलर पे ही ऐड करा है 3-4 हज़ार रुपये कलर के ऐड कर देंगे, क्योंकि कलर का चार्ज भी ले रहे होते हैं 10-12 हज़ार रुपये, 12 हज़ार 8 हज़ार रुपये चार्ज ले रहे होते हैं बड़े सलून, तो इसके भी चार्ज बहुत अच्छे खासे ऐड कर देते हैं। अब इस ट्रीटमेंट का स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट बिना कलर के सिर्फ पानी के साथ कैसे करना है और कब करना है वो समझ लेते हैं। मान लो एक क्लाइंट आपके पास आया, उसकी हेयर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ड्राई हेयर है, डैमेज है, इलास्टिसिटी वीक हो रखी है पी लाइटनर की वजह से, जैसा कि आप इधर देख सकते हो, इसमें मेंशन है कि वो हेयर जो ब्लीच की वजह से ख़राब हुए हैं, कॉज्ड बाय ब्लीच, ठीक है। द प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय ब्लीच, मतलब ब्लीच मतलब आपका पी लाइटनर पाउडर। केमिकल का नाम क्या बता सकते हैं इसमें? क्या होता है इसमें? है बिस अमीनो प्रोपिल डाइग्लाइकोल डिमिलिएट, ठीक है। बिस अमीनो, देखो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हें तो स्पेलिंग ऐसे लिख नहीं पाओगे। लो देख लो, साइड में यूरोजीन के ऊपर है जी, रहा लेफ्ट साइड, राइट साइड मेंशन है ना, इधर दिख रहा है ना, बिस अमीनो प्रोपाइल डाइग्लाइकोडिमिलेट इज अ हेयर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट हेयर फ्रॉम डैमेज कॉज बाय ब्लीच, जो कि पी लाइटनर से हेयर ड्राई डैमेज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ये उन हेयर के बॉन्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो पानी के साथ मैंने जैसे बताया, वो क्लाइंट अगर आपके पास ऐसे आया है कोई जिसके हेयर ख़राब हो गए, बहुत वीक हो गए, उन पे इस ट्रीटमेंट को कैसे करेंगे? अगर स्पा करेंगे तो स्पा भी बहुत एक सर्टेन टाइम तक रहता है। अब मैं सच्ची में ऑनेस्टली इन ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा फ़ैन तो हूँ नहीं, फ्लेक्स ट्रीटमेंट का, क्योंकि इसका ऐसा रिजल्ट नहीं दिखता कि बहुत कहते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आपका, पर हमारे कोर्स में तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको। तो इसका इस्तेमाल सिंगल स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट में कैसे करना है? क्लाइंट आपके पास आया ड्राई डैमेज वीक फ्रीजाइल हेयर के साथ, जो बाल टूट रहे हैं क्लाइंट के, ठीक है, पी लाइटनर हेयर है, ऐसे हेयर क्लाइंट आपके पास आया ऐसे हेयर के साथ, तो आप क्या करोगे? पहले सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को वॉश करोगे प्योरीफाइंग शैम्पू से, ठीक है, अच्छे से वॉश करोगे, शैम्पू स्टेशन से उसे वर्क स्टेशन पर लेकर आओगे जहाँ पे आपको टावल ड्राई करना है, ठीक है, सिर्फ टावल ड्राई, डैपिंग डैपिंग करके टावल ड्राई करोगे, टेंगल फ्री करोगे क्लाइंट के हेयर को, अच्छे से कॉम करके टेंगल फ्री करोगे, और फिर 4x4 क्लासिकल सेक्शन निकालोगे, ठीक है, गीले बालों पे 4 क्लासिकल सेक्शन, जिसके बाद आपको 60 ml में ये वाला ट्रीटमेंट 10 ml मिक्स करना है, मतलब 30 ml में आपको 5 ml है ना, और 60 ml में 10 ml ये ऐड करना है। 30 ml अगर ले रहे हो पानी तो 5 ml ये लोगे, और अगर 60 ml पानी ले रहे हो तो 10 ml लोगे, और 90 ml ले रहे हो तो 15 ml लोगे। अब हो क्या रहा है, ये हम ज़्यादा पानी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर क्लाइंट की हेयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट की नीड होगी, है ना, अगर डेंसिटी कम है तो 30 ml में भी हो जाएगा, डेंसिटी मीडियम है थोड़ी, लेंथ मीडियम है तो 60 ml, अगर उससे ज़्यादा हाई डेंसिटी है तब हम 90 ml पानी में कितना लेंगे, 15 ml ये, ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे। मान लो एक स्प्रे बोतल में ले लिया, दो तरीके से कर सकते हो इसे, या तो आप स्प्रे बोतल में ले लोगे, या तो एक एप्लीकेटर बोतल आती है, ठीक है, उसमें ले लोगे,
पहले मैं इसे एप्लीकेटर के फॉर्मूले से, स्प्रे बोटल के फॉर्मूले समझते हैं। अपने स्प्रे बोटल में लिया इसे, 60 ml में 10 ml लिया आपने, मिक्स किया अच्छे से मिक्स करोगे। और पानी जो लेना है वो थोड़ा लूकवॉर्म लेना है, हल्का गुनगुना, ठीक है, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लेना, हल्का गुनगुना पानी लोगे, उसमें मिक्स करोगे, क्लाइंट के हेयर पे स्प्रे की हेल्प से अप्लाई करोगे। छोटे छोटे सेक्शन ले लोगे, एक एक इंच का सेक्शन लेना है, हाँ, रूट्स पे नहीं, रूट्स को छोड़कर। अभी हमारे बाल जो हैं वो टावल ड्राई हेयर हैं, ठीक है, बिल्कुल गीले बाल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सूखे बाल नहीं, टावल ड्राई बालों पे अच्छे से पानी का निकलाओ, कॉम करेंगे और स्प्रे करेंगे, इमल्सिफाई करेंगे फिंगर की हेल्प से और कॉम की हेल्प से। कॉम की हेल्प से 3 से 4 बार 5 बार आप कॉम करोगे एक ही सेक्शन पे, ठीक है। फिर आप दूसरा सेक्शन लोगे, उस पर स्प्रे करोगे, फिंगर से इमल्सिफाई करोगे, कॉम से इमल्सिफाई करोगे, पूरे हेयर पे इसी तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। जब अप्लाई हो जाए तो इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट, वैसे कंपनी कहती है कि 20 मिनट वेट करना है, तो आप 20 मिनट वेट करोगे, ठीक है। अब इस टाइम पे आप कवर भी कर सकते हो, क्लिंग रैप से ओपन भी रख सकते हो, अगर जॉट मस फॉर है तो आप वार्म है तो ओपन रखो, 20 मिनट रखोगे इसे। 20 मिनट के बाद क्या करना है, क्लाइंट के हेयर पे एन टू अप्लाई करना है, जैसे हाँ बिना इसको वॉश करें, ठीक है, इसको वॉश नहीं करेंगे, बिना वॉश करें एन टू अप्लाई करेंगे, ठीक है, कर सकते हो। कुछ कंपनी कहती है कि इसके बाद शैम्पू की नीड नहीं है, ठीक है। ओलाप्लेक्स जब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत सारे ट्रीटमेंट जब करते थे ओलाप्लेक्स वाले, तो वो पूरे ट्रीटमेंट के बाद, स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, शैम्पू करते थे फिर मास्क अप्लाई करते थे, पर बहुत सारे प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो इसके बाद शैम्पू और मास्क अवॉइड करते हैं, ठीक है, सिर्फ जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको ही लास्ट प्रोसेस मानते हैं वो। तो अगर वो लगा दिया इनटू, उसके बाद फिर आपको शैम्पू और मास्क की नीड नहीं है। इस तरीके से आप क्या करोगे, ओलाप्लेक्स स्टैंड वन सिंगल स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट कलर के साथ, पीलाइटनर के साथ और पानी के साथ। अब दूसरा एप्लीकेटर वाला भी बता देता हूँ, बहुत इजी है वो भी, अगर आप एप्लीकेटर बोतल के साथ कैसे करना है, अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो। शैम्पू सेशन में ही करोगे ट्रीटमेंट, क्या करोगे, क्लाइंट आया है, उसके वॉश कराया पीलाइटनर से, प्री ट्रीटमेंट शैम्पू से, प्री ट्रीटमेंट शैम्पू से वॉश कराने के बाद क्लाइंट को शैम्पू सेशन पर रखा, पूरे बाल को टावल ड्राई करा, अब जो ड्रेनेज होता है उसको लॉक कर दोगे, ठीक है, आपके शैम्पू सेशन जो आ रहा है उसमें ड्रेनेज लॉक भी आता है, ऊपर से कवर करा और लॉक हो जाता है, तो आप बाउल से पानी डालोगे हेयर के ऊपर, ठीक है, वो एप्लीकेटर से पानी डालोगे निकाल के, और उसी को इमल्सिफाई करते रहोगे वहीं पे, कॉम्ब की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से, जो पानी नीचे ड्रेनेज पे गया है वो आप इसे उठा के हेयर पे डाल सकते हो, ठीक है, तो पानी जाएगा नहीं ना, वेस्ट नहीं होगा वो पानी आपका। तो ऐसे ही करके पूरे हेयर पर अप्लाई करा और शैम्पू सेशन में ही फिर उसे 15 मिनट 20 मिनट के लिए रहने दिया क्लाइंट को, अगर क्लाइंट रेस्ट कर रहा है अच्छे से रेस्ट कर सकता है शैम्पू स्टेशन पे। फिर उसके बाद जैसे ही टाइम पूरा हुआ एन टू अप्लाई करा पूरे हेयर पे शैम्पू स्टेशन पे ही, और 10 मिनट बाद फिर उसे शैम्पू स्टेशन में वॉश कर दिया, तो ये पूरा प्रोसेस जो है शैम्पू स्टेशन पे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, अगर एप्लीकेटर बोतल से कर रहे हो तो।